चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में बीते शुक्रवार को एक पेड़ गिरने से एक छात्रा की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में स्थित ऐसे पुराने और विशालकाय पेड़ों को लेकर कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में हुए हादसे के बाद अब लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि उनके घरों के आसपास काफी संख्या में पेड़ हैं जो कभी भी गिर सकते हैं और आए दिन कई बार ऐसी सूचनाएं भी मिलती हैं कि यहां पर पेड़ गिर गया। ऐसा ही सेक्टर 7 में भी एक पेड़ गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी को भी चोट नहीं पहुंची। लोगों का कहना था कि वे कई बार प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत कर चुके थे लेकिन उनकी एक न सुनी गई। ये पेड़ कल का गिरा हुआ है, इसे अभी भी यहां से उठाया नहीं गया। अगर इसके आसपास उनके बच्चे खेल रहे होते या कोई राहगीर गुजर रहा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस पे यही कहना है कि पहले तो इसको मेंटेन भी करते थे, अब तो इसको मेंटेन नहीं कर रहा है और ना ही इसमें मतलब पहले बरनी बनी हुई थी वो भी तोड़ दिया मेरे ख्याल 6-7 साल से। और ये कई बार इसको कह भी चुके हैं ट्रिमिंग के लिए, तो कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है गवर्नमेंट इस हिसाब से। उस और जैसे हादसे हो रहे उस हिसाब से करना चाहिए कि इसको काट देना चाहिए। यहाँ ये तो है नहीं कि स्कूल है, गाड़ियाँ हैं, किसी के घर को नुकसान होगा, किसी की गाड़ी को नुकसान होगा। हाँ जी, वो परसों ये पेड़ गिर गया, प्रशासन ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। ये पेड़ बच्चों पे भी गिर सकता था, बुजुर्गों पे भी गिर सकता था, बच्चे भी यहाँ खेलने आते हैं, बुजुर्ग भी यहाँ खेलने आते हैं, प्रशासन कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा। कई दिनों से पेड़ पड़ा हुआ है, ना कोई इसको उठाने आ रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा। हाँ, काफी पेड़ है जो खोखले है इधर, जब बच्चे नहीं खेल रहे थे यहाँ, बूढ़े नहीं बैठे थे यहाँ, नहीं तो दब जिंदे। कोई सुनवाई नहीं होती जी, कोई नहीं होती, ना कोई आता यहाँ, कोई नहीं। आज परसों का पड़ रहा है, कोई देखने भी नहीं आया। बच्चे खेलते थे दब जिंदे, हमारे वर्गे को रोने लगा दब जिंदे। अब क्या होता, क्या होता, कुछ नहीं होता, यहाँ तो परसों का यहीं पड़ा है। तो वहीं लोगों ने इस बात की भी चिंता जाहिर की कि उनके घरों के आसपास पीपल और बरगद के बहुत सालों पुराने ऐसे पेड़ हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन उनके बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता। लोगों का कहना है कि प्रशासन क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। बार कंप्लेंट कर चुके जी, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, को 8 साल का, को 5 साल का, को 9 साल का है जी। ये परेशानी है जी, हमने पेड़ा बिल्कुल जंगल हो रहा है जी, देख लो कितना पेड़ है यहाँ पर। ये सभी खोखले गिरने की कगार पे। हाँ, गिरने का है जी, कई बार तब टहने गिर भी चुके हैं इनके, कच्चा हो चुका है। हाँ जी, नीचे से कच्चे हैं जी ये बिल्कुल। तो कोई देखने वाला या सर्वे करने वाला आया है? नहीं जी, कोई नहीं आया। एक बार ऊपर से थोड़ा कटाई करी थी एक पेड़ की, नहीं तो वो भी चले गए यहाँ से वो भी चले गए। आपने बोला है किसी को ये पेड़ काट दो यहाँ से, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल है। तो सुनवाई क्यों नहीं होती, क्यों पता नहीं जी, क्या पता है। बोले हमारे को मंजूरी नहीं है, ये नहीं, हमारे का तो ऊपर से काटने की है, ऊपर से भी पूरा नहीं पेड़ काट रहे हैं। तो क्या अब क्या कहना है कि प्रशासन कब जागे? प्रशासन कब जागे जी, हमारे भी पेड़ कटने चाहिए जी यहाँ। हमारे पीछे से खोखले, हमारे बच्चे, जैसे बच्ची की जान गई है यहाँ, हमारे बच्चे की भी जान जाने की जोखिम है जी यहाँ पर। जी सर, हमने बहुत कंप्लेंट की है, वो आते थोड़ा से डाली करके चले जाते हैं, मतलब प्रॉपर इसी कटिंग नहीं करते। सर फोटो भी खींच के ले गया जो MC वगैरह के मेम्बर आते हैं, पर रिस्पॉन्स इतना ही है, 2 दिन डाली काटी और हो सकती है। देखो तार है, बिल्कुल तार के बिजली हवा चलते तो हमें डर लगता है कि कहीं तार ना हिल जाए, कि करंट ना लग जाए, शॉर्टर्स ना हो जाए, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। आते हैं वो जैसे वोट मांगने आते हैं, बोल देते हैं हम कटवाएंगे, बट वही कहते हैं ना, एक डाली काटी छटाई करते हैं। पहला कहीं भी लिखाया भी है भी शौक लगे हुए ऊपर, पुराने टूट के गिर गए, गड्डियाँ हेठा खड़ी होंगी, नुकसान हो जाता है, कोई बच्चा खेलता है तो अपने आप में नुकसान हो सकता है। ते जेड़ा इन्ना वड्डा हादसा आया उस तो सबक लेना चाहिए, पेड़ कट देने जरूर लेना चाहिए, ठीक है ना। देखो उन्होंने एक बच्ची इस तरह इस हाथ से पूरी हो गई, तो हादसा किसी ना भी हो सकता है, जरूर है ना, तो होना चाहिए था। पेड़ कट दो तो नमे ला दो, जो ना उम्र हो जाती है तो उन्होंने कट देना चाहिए, नमे ला दो। सेक्टर 9 के स्कूल में हुए हादसे के बाद से लोगों में डर का माहौल है। जरूरत है कि ऐसे पुराने पेड़ों को लेकर प्रशासन एहतियातन कदम उठाए ताकि फिर इस तरह के हादसे ना हो और मासूमों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।